महिला आरक्षण बिल, एक महिला होने के नाते मैं उसका समर्थन करती हूँ और चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो है राजनीति में अपना योगदान दें, बढ़ चढ़ कर प्रथम पंक्ति पर खड़े होकर पॉलिसी मेकर्स बने। लेकिन जो महिला आरक्षण बिल ये बीजेपी की सरकार अभी 2023 में लाई है, अगर आप उसको समझेंगे, उसमें ये कहते हैं कि जो ये बिल है ये तब से लागू होगा जब डिलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, जब सेंसस हो जाएंगे, और वो कब होंगे, 2029 में होंगे, 2027 में, 28 में, पता नहीं कब होंगे। अगर आप चाहते, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, 303 सांसदों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई कोएलिशन भी नहीं है। अगर आप चाहते, आपकी नीयत अच्छी है, तो हम तो आपसे कह रहे हैं कि हम बिल्कुल इस बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन ये बिल जो है 2024 से लागू कर दीजिए, 2024 के जो लोकसभा चुनाव हो उसमें मैक्सिमम हमारी बहनें 33% के साथ प्रतिभाग करें और भारत के संसद में जाएं। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज हमारे उत्तराखंड के अंदर, इस देवभूमि के अंदर, अंकिता भंडारी जैसा हत्याकांड होता है, और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज एक साल पूरा होने के बाद भी अंकिता भंडारी को, पहाड़ की इस बेटी को, न्याय नहीं मिल पाता। आज तक भारतीय जनता पार्टी जो है, बीजेपी की सरकार, उस वीआईपी का नाम नहीं बता पाई है। लगातार कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, महिला कांग्रेस सड़कों पर है, यूथ कांग्रेस सड़कों पर है, एनएसयूआई सड़कों पर निरंतर रूप से ये गुहार लगा रहे हैं कि वीआईपी का नाम बताएं, अंकिता भंडारी को न्याय मिले। और महत्वपूर्ण रूप से इसलिए कि पहाड़ की बेटी है और पहाड़ की और बेटियों के लिए एक उदाहरण बने, और ऐसा कोई भी कृत्य जो है वो वापस उत्तराखंड, इस देवभूमि के अंदर ना हो।